लगता कि मानसिकता साड़ी इदां दी बन चुकी कि असी हर बंदा ही एक अपना प्रभाव जिहा पाउणा चाहुंदा वा, जदों किसे नूं मिलदे अंग्रेजी च गल करदे आ मैनूं अगों समझ नहीं आउंदी मैं की बोलां अगे। पिछे जी एक वारी कुछ सालां दी गल, असी एक दुकान ते गए ते उह एक भैण जी सीगे, सिख भैण सीगी, ते मैनूं कहिंदी हैलो सर गुड ईवनिंग, ते मैं कहा भैण जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कहिंदी सर मैं हैल्प यू, मैं कहा भैन जी मैनू उत्तों की लंघ गया सारा कुछ, मैंने पंजाबी च कृपा करके दसो। तो फिर हसन जहा दै पी जिदा कि इनू शायद आँदी नहीं है ना, तो मैं कहा भैन जी कोई हसन वाली गल नहीं, मेरे को कोई गलती हो गई आ कि मैं पंजाबी बोली तुम मेरे हस रहे हैं। तो कहती नो इट्स ओके कि कोई गल नहीं है ना। तो मैं कहा भैन जी असं पिंडा तो हाँ तो हाड़ी वो पंजाबी आँदी है ना, तो वह फिर थोड़ा जहा दूजे जाके दस जिदा इदा जहा करे भी दिसी जहा आ गया ना। फिर मैंने बेनती की, मैं कहा भैन जी गुरु साहब जी की कृपा ना मैंने सत्त भाषा आदियां वा, पर मैं जो किसी सिख नूं मिलदा किसी पंजाबी नूं मिलदा वा तो मैं उहदे नाल अंग्रेजी विच गल करन च कोई माण महसूस नहीं करता। जो मैं किसी गोरे नूं मिलदा मैं जरूर उहदे नाल अंग्रेजी बोलदा वा, जो कि स्पैनिश नूं बोलदा स्पैनिश बोलदा, जो कतलान नूं बोलदा कतलान बोलदा, फ्रेंच नूं मिलदा तो फ्रेंच गल करदा, पर जो मैं किसी सिख नूं मिलदा किसी पंजाबी नूं मिलदा मेरी जमीर इजाजत नहीं दिंदी कि मैं उहदे नाल अंग्रेजी जां हिंदी च गल करा। ठीक है, सो ये सारयां दे चरणां च बेनती आ, जिहड़ी अपनी बोली आ इह साडा माण आ साडी पहचान आ, इन्हों हमेशा ठीक है। जो असं गोरिया विचरते हूँ अपना आनंद कार्य का कार्ड ही हों भी अंग्रेजी शब्द आ, अगों सारे गोरिया थोड़ी होना हों वि ने आना तो पंजाबी दे दो। तो सो इदा दी निकी निकी चीज़ा जिहड़ियां आपां एक साड़ी सोच बन चुकी कि अंग्रेजी नाल आपां प्रभाव पाउने आ, पढ़े लिखे लगते हैं तुसीं पंजाबी नाल भी पढ़े लिखे हो सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं पता नहीं किन्नियां भाषा आउंदियां सी, असीं उहनां दे पोते आ, असीं उहनां वर्गे नहीं बन सकते, पर असीं भाषा जिन्नियां मर्जी सिखीए पर जिहड़ी साड़ी मां बोली आ उत्तों कदे भी दूर ना जाइए। सो समा मैं ज़्यादा लै लिया बोलदिया, खिमा बहुत कलियां हो गई होणगियां। आप जी असीस बख्शनी, असीस भरी फतेह बख्शियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय काल।